जगन्नाथ जी, और मैं पत्रकार बंधुओं को, मैं पत्रकार मानती नहीं, मैं तो अपने परिवार का मानती हूँ। और परिवार के बीच में कोई बात करने में संकोच भी नहीं होता। ये जनपद एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें मैं आज क्या प्रगति हुई है उस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आई हूँ, और किन किन बातों को अभी और करने की ज़रूरत है ये सुझाव भी मैं लेने के लिए आई थी। जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार इस ज़िले में क्या क्या हुआ है। ये बात सही है कि जब नीति आयोग ने सर्वे करवाया था, ये जनपद हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। आज कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक प्रगति पर है। एक विषय मेरे संज्ञान में जो आया है वो है प्रधानमंत्री आवास का, और इस जनपद में लोगों ने बताया कि जीरो है। ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने जो अपना एक साइड बनाई थी उसके कारण भारत सरकार में नहीं जा पाई, उसके लिए भी प्रदेश सरकार का जो हिस्सा है आवास का वो उसको मिलेगा, उसको कोई रोकेगा नहीं। अभी सारे सांसद हमारे मिले थे जाकर के ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय गिरिराज जी से, उस हमने आश्वस्त किया है। ये जनपद अन्य जनपदों की कैटागरी में आए, इसके लिए यहाँ नीति आयोग ने जो पैरामीटर रखा था उस दिशा पर काम हो रहा है। कुपोषित बच्चे पहले क्या थे और आज कितने स्तर तक पहुँचे ये जानकारी मुझे मिली है, और जो अभी कमियाँ हैं उनको हम ज़रूर दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं आज के दिन अपने जनप्रतिनिधि थे और मेरी यहाँ सीएचजी की बहनें भी आई हुई थी, मुझे जान करके खुशी यह हो रही है कि जो महिलाएं घर के अंदर में बंद रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, भारत सरकार की इस योजना ने उन महिलाओं को घर से अकेले बाहर नहीं निकाला, स्वावलंबी भी बनाया। जो मातृशक्ति पति के सामने एक एक दो दो रुपये के लिए हाथ फैलाती थी, आज वो स्वयं मार्केटिंग कर रही है अपना बनाया हुआ माल। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं तो ये कह सकती हूँ कि आज पूरे देश में 8 करोड़ के लगभग मातृशक्ति काम कर रही है समूह से जुड़ करके, और 8 करोड़ मायने रखता है। जो महिला महीने में 3,000 रुपया बचा रही है खर्चे निकालने के बाद, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो एक एक दो दो रुपये के लिए तरसती थी, इसी तरह अन्य विभागों का मैंने व्यू लिया है, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय का है, कृषि का है, अन्य स्वास्थ्य का है, जो जो विषय थे उन पर मैंने चर्चा की है, और जहाँ अभी कमियाँ हैं उनको मैंने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कहीं भी ये जनपद अन्य जनपदों से पिछड़ा ना रहे, इस पर हमें फोकस करके काम करना है। मनरेगा को भी सिंचाई से, कृषि सिंचाई से हमने जोड़ दिया है, उसके तहत भी काम करना है। मैं आपने देखा, देखिए आउटपुट ये निकला है कि जो पहले प्लान होता था वो रुका है। अच्छा, रुका हुआ है मैडम, आपको ऐसा लगता है? हमारी 8 करोड़ की लगभग महिलाएं काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने स्तर से ज्यादा काम कर रही है, अच्छी बात है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करें तो देश सशक्त होगा अपने आप ही, तो भारत सरकार की है। मैडम ये विषय बैठक का है, बैठक के बाद मैं उसकी समीक्षा करके फिर भारत सरकार नहीं, इसीलिए मैम ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, और आपको तो पता है कि ये सबसे पिछड़ा हुआ एक इलाका है। यहाँ से MGNREG जो होता है, इसके बगैर भी यहाँ लाखों लोग बाहर जाते हैं बॉन्डेड लेबर जैसे, आपको तो ये पता है ना? सब कुछ पता है। हाँ, तो इसीलिए कमी क्या दिखा? देखिए ये कमी मैं बैठ के पहले उसका समीक्षा करूंगी, अभी बैठूंगी दोबारा, देखिए ना। मिशन शक्ति